दोस्तों रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह और विराट कोहली ने कर दिया है वनडे से अलविदा का ऐलान। तो क्या है खबर की पूरी जानकारी बताने वाले हैं इस वीडियो में। अगर आप भी हैं इन तीनों खिलाड़ियों के फैन तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों वेस्ट इंडीज दौरे के लिए टीम का ऐलान हुआ तो पता चला चयनकर्ताओं ने विराट कोहली, रोहित शर्मा और जसप्रीत बुमराह को आराम दे दिया है। ये तीनों फॉर्मेट यहाँ पर आईपीएल के बाद से जून के महीने से रस पर थे। ऐसे में सवाल उठने लगे कि इंग्लैंड में महज 7 अंतर्राष्ट्रीय मैचों के बाद उन्हें फिर आराम कैसे दिया जा सकता है। इसी बीच एक आंकड़ा सामने आया जिसमें पता चला कि बीसीसीआई ने ए प्लस ग्रेड के तीनों खिलाड़ी विराट कोहली, रोहित शर्मा और यहाँ पर जसप्रीत बुमराह को जनवरी 2020 के बाद से एक साथ कोई मैच ही नहीं खेलने दिया है। इन दिनों हैवी वेट प्लेयर एक साथ टीम में वनडे मैच खेलने वक्त 2.5 साल गुजर चुका है। कोरोना महामारी आने से पहले हिटमैन, जस्सी और कोहली एक साथ आखिरी बार वनडे खेले थे। आखिरी बार 19 जनवरी 2020 को ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर भारतीय टीम के इन तीनों धुरंधरों ने एक साथ मैच खेला था। साल 2020 के बाद से ही टीम इंडिया महज 6 वनडे सीरीज खेली है। इससे यह पता चलता है कि बीसीसीआई का फोकस इस दौरान 50 ओवर क्रिकेट पर नहीं रहा है। 2020 में कोरोना महामारी के चलते यहां पर अंत में टीम इंडिया अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में नजर आई। 2021 के आईपीएल में व्यस्तता और टी20 विश्व कप के आयोजन के चलते फोकस सबसे ज्यादा छोटे प्रारूप पर रहा। लेकिन दोस्तों अब बारी आ गई है कि भारतीय टीम को ध्यान देना चाहिए और तीनों खिलाड़ियों को एक साथ खिलाना चाहिए। आपकी इस पर क्या राय है हमें अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी और लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।